देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पार्टी दफ्तर पहुंचे मुलायम सिंह यादव, कार्यकर्ताओं से मिले हैं सपा संरक्षक मुलायम सिंह। शिवपाल यादव से अखिलेश की हुई है मुलाकात, शिवपाल के आवास पहुंचे अखिलेश यादव। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पार्टी दफ्तर पहुंचे हुए हैं मुलायम सिंह, जहां कार्यकर्ताओं से सपा संरक्षक की मुलाकात देखने को मिली है। वहीं शिवपाल यादव से मिलने के लिए भतीजे अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। अखिलेश के आवास पर इस वक्त मौजूद है शिवपाल। आपको बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शिवपाल यादव से अखिलेश की एक खास मुलाकात मानी जा रही है। शिवपाल सिंह के आवास पर इस वक्त अखिलेश मौजूद है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी में इस वक्त हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। सपा संरक्षक इस वक्त कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव भी शिवपाल से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां पर अब प्रसपा से सपा के जो विलय की जो बातें चल रही है, अब वो भी जो कयास है वो भी तेज होते दिखाई दे रहे हैं। शिवपाल यादव से मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव उनके आवास पर मौजूद है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पार्टी दफ्तर में इस वक्त मुलायम सिंह यादव पहुंचे हुए हैं, जहां पर इस वक्त कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सपा की ओर से आयोजित की जा सकती है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी में इस वक्त हलचलें तेज होती दिखाई दे रही है। जो एक तरफ सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव इस वक्त पार्टी दफ्तर पहुंचे हुए हैं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव के आवास पर इस वक्त अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। तो पार्टी दफ्तर में इस वक्त मुलायम सिंह यादव मौजूद है, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं सपा संरक्षक। वहीं दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव से भी मिलने के लिए इस वक्त अखिलेश यादव उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर अब एक कयास लगता दिखाई दे रहा है प्रसपा और सपा के विलय को लेकर। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे अब चुनावी हलचलें जो है वो भी अब तेज होती दिखाई दे रही है। मुलायम सिंह यादव भी इस वक्त अपने पार्टी दफ्तर पहुंचे हुए हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं मुलायम सिंह यादव। वहीं दूसरी तरफ शिवपाल सिंह के आवास पर भी अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे लखनऊ संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो नितिन, जिस तरह से समाजवादी पार्टी में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है, मुलायम सिंह यादव जहां पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव के घर पर अखिलेश यादव पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी है? नितिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो नितिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, देखिए शिखा, साफ तौर पर अब से थोड़ी देर पहले मुलायम सिंह यादव जो है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं, और बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव थोड़ी देर बाद शिवपाल सिंह के आवास पर पहुंचेंगे, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो उठा पटक की तरफ है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी थोड़ी देर पहले प्राइम टीवी पर उनकी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब मैं बात करना चाह रहा था तब बीजेपी का कोई नेता मुझसे नहीं बात कर रहा था, और अब जब वो लोग बात करना चाह रहे हैं तो मुझे बात नहीं करनी है। जिससे साफ साबित हो गया है कि अब वो समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरीके से रहेंगे, और आने वाले चुनावों में वो सपा का दामन थाम चुके हैं, सपा के साथ रहने वाले। दूसरी तरफ सीटों के बंटवारों को लेकर भी अब समाजवादी पार्टी में उठापटक शुरू हो जाएगी, और उसी को देखते हुए नेताजी अब से थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहुंचे हैं। अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई है, और उसके बाद अब अखिलेश यादव जो है वो चाचा शिवपाल के यहाँ जाएंगे और वहां बातचीत करेंगे कि कितनी सीटें किसको देनी है, क्या रणनीति बनानी क्या नहीं बनानी है। शिवपाल सिंह यादव भी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी चर्चा होने वाली है दोनों के बीच में। तो ये जो उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो लगभग अब शुरू हो गया है। और एक चीज और है, मैं यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा शिखा, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की एक्सक्लूसिव बातचीत प्राइम टीवी हुई है, और उन्होंने इस बात को कहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन में वो बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम, राजनीतिक उलट फेर उत्तर प्रदेश में करने वाले हैं। तो ये क्या उलट फेर होगा ये भी देखना है हमें। नितिन, वहीं दूसरी तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात भी निकलकर सामने आ रही है कि 5 बजे सपा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा सकती है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? अब बिल्कुल साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा सकती है, और हो सकता है कि शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में
स्वामी प्रसाद मौर्य खुद मौजूद रहे, ज्वाइनिंग हुए, प्रॉपर तरीके से उनकी उनका स्वागत हो। हालांकि अभी तक इस पर औपचारिक मोहर नहीं लगी हुई है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम बहुत जल्दी कुछ बड़ा उलटफेर जो है वो करने वाले हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर सामने आ रही है जहां लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी में हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। इस वक्त पार्टी दफ्तर में मुलायम सिंह यादव पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और इसी बीच ओपी राजभर का ट्वीट सामने आया है, जहां पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का उन्होंने दावा पेश किया है। प्रदेश के सीएम बनेंगे अखिलेश यादव, सामाजिक न्याय का इंकलाब होगा, भाजपा का विकेट गिरना शुरू हो गया है। तो ओम प्रकाश राजभर का एक ये बड़ा ट्वीट आया है, जहां पर अब उन्होंने एक बड़ा दावा पेश किया है। उन्होंने कहा है कि सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और प्रदेश के सीएम बनने जा रहे हैं अखिलेश यादव, भाजपा का विकेट गिरना शुरू हो गया है। जहां एक तरफ आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा से इस्तीफा दिया है, वहीं दूसरी तरफ अब ओपी राजभर का एक बड़ा ट्वीट, एक प्रतिक्रिया कह सकते हैं, जो अब सामने आई है, जहां पर उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा पर अब जमकर हमला बोला है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रामपुर में कोरोना का विस्फोट देखने को मिला है। संक्रमितों की संख्या 200 के पार चली गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना के मरीज जो है वो बढ़ते दिखाई दिए हैं। तो रामपुर में इस वक्त कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। आपको बता दें कि संक्रमितों की संख्या अब 200 के पार पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें तो कोरोना के 85 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं अब एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 213 हो चुकी है। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।